कक्षा 12वीं विषय हिंदी पुस्तक का नाम आरोह भाग 2 दूसरा पाठ बाजार दर्शन जो कि सुप्रसिद्ध निबंधकार और कथाकार जनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ का सार देखने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। लेखक का एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार में गया। वहाँ से लौटते समय वह अपने साथ बहुत सारे बंडल लेकर लौटा। लेखक द्वारा पूछने पर उसने उत्तर दिया कि श्रीमती जो उसके साथ गई थी इसीलिए काफ़ी कुछ अनावश्यक वस्तुएं खरीद लाए हैं। लेखक का विचार है कि पत्नी को दोष देना ठीक नहीं है। फालतू वस्तुओं को खरीदने के पीछे ग्राहक की पैसे की गरिमा है। वस्तुत पैसा एक पावर है जिसका प्रदर्शन करने के लिए लोग बंगला कोठी तथा फालतू का सामान खरीद लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग पैसे की पावर को समझकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। मित्र ने लेखक को बताया कि यह सब सामान खरीदने पर उसका सारा मनी बैंक खाली हो गया है। फालतू सामान खरीदने का सबसे बड़ा कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने लेखक को बताया कि बाजार एक शैतान का जाल है। दुकानदार अपनी दुकानों पर सामान को इस प्रकार सजा कर रखते हैं कि ग्राहक फंस ही जाता है। वस्तुत बाजार अपने रूप जाल द्वारा ही ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बाजार में आमंत्रण होता है, आग्रह नहीं होता। वह ग्राहकों को लूटने के लिए प्रेरणा देता है। यही कारण है कि लोग बाजार में आकर्षण जाल का शिकार बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति खाली मन से बाजार जाता है तो वह निश्चय से लूट कर ही आता है। लेखक का एक अन्य मित्र दोपहर के समय बाजार गया परंतु वह शाम को खाली हाथ लौट आया। जब लेखक ने पूछा तो उसने बताया कि बाजार में सब कुछ खरीदने की इच्छा हो रही थी परंतु वह एक भी वस्तु खरीद कर नहीं आया। पूछने पर उसने बताया कि यदि मैं एक वस्तु खरीद लेता तो उसे अन्य सब वस्तुएँ छोड़नी पड़ती, इसीलिए मैं खाली हाथ लौटकर आया। लेखक का विचार है कि यदि हम किसी वस्तु को खरीदने का विचार बनाकर बाजार जाते हैं तो फिर हमारी ऐसी हालत कभी नहीं हो सकती। बाजार में रूप का जादू होता है। जब ग्राहक का मन खाली होता है तब वह उस पर अपना असर दिखाता है। खाली मन बाजार की सभी वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और यह कहता है कि सभी वस्तुएँ खरीद ली जाएं। परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है तब ग्राहक को पता चलता है कि उसने जो कुछ भी खरीदा है वह उसे आराम पहुंचाने की बजाय बेचैनी पहुंचा रहा है। इससे मनुष्य में अभिमान बढ़ता है परंतु उसकी शांति भंग हो जाती है। बाजार के जादू का प्रभाव रोकने का एक ही उपाय है कि हम खाली मन से बाजार न जाए बल्कि यह निर्णय करके जाए कि हमने अमुक वस्तु खरीदनी है। मतलब जो भी हम खरीदना चाहते हैं वो पहले से ही हम अपने मन में सोच ले कि बाजार में जाकर हमें ये चीज़ खरीदनी है। इससे हम बाजार में जाके कंफ्यूज नहीं होंगे और ऐसे ही बेकार की चीज़ नहीं खरीदेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर जो चीज़ हमें चाहिए वहीं हम लेकर आएंगे। पाठ के सार को अभी आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करने से बाजार ग्राहक से अनुग्रहित हो जाएगा। आवश्यकता के समय काम आना बाजार की वास्तविक कृतार्थता है। यदि ग्राहक का मन बंद है तो इसका अभिप्राय है कि मन शून्य हो गया है। मनुष्य का मन कभी बंद नहीं होता है। शून्य होने का अधिकार केवल ईश्वर को है। कोई भी मनुष्य परमात्मा के समान पूर्ण नहीं है, सभी अपूर्ण हैं। इसीलिए मानव मन में इच्छा उत्पन्न होती रहती है। इच्छाओं का विरोध करना व्यर्थ है। यह तो एक प्रकार से डांट लगाकर मन को बंद करना है। ऐसा करके हम लोभ को नहीं जीतते बल्कि लोभ हमें जीत लेता है। जो लोग मन को बलपूर्वक बंद करते हैं वे हठ योगी कहे जाते हैं। इससे हमारा मन संकीर्ण तथा शुद्र हो जाता है। प्रत्येक मानव अपूर्ण है, हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म हमें अपूर्णता का बोध कराता है। अतः हमें मन को बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए अपितु उसकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि मन की सोच उद्देश्यपूर्ण होती है। परंतु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि हम मन को मनमानी करने की छूट दें, क्योंकि वह अखिल का एक अंग है। अतः हमें समाज का एक अंग बनकर रहना होता है। लेखक के पड़ोस में चूर्ण बेचने वाले एक भगत जी रहते हैं।
उनका यह नियम है कि वह प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाएंगे। इसीलिए वह अपना चूर्ण न थोक व्यापारी को बेचते हैं, न ही ऑर्डर पर बनाते हैं। जब वे बाजार जाते हैं तो वह बाजार की सभी वस्तुओं को तटस्थ होकर देखते हैं। उनका मन बाजार के आकर्षण के कारण मोहित नहीं होता। वे सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं, जहां से वे काला नमक तथा जीरा खरीद लेते हैं और अपने घर लौट आते हैं। भगत जी द्वारा बनाया गया चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है। अनेक लोग भगत के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए उनका चूर्ण खरीद लेते हैं। जैसे ही भगत जी की 6 आने की कमाई हो जाती है तो वे बचा हुआ सारा चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेखक का कहना है कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। भले ही भगत जी अनपढ़ हैं और बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, परंतु उस पर बाजार का जादू का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। पैसा मानो उनसे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, परंतु भगत जी का मन बहुत कठोर है और उन्हें पैसे पर दया नहीं आती। वह 6 आने से अधिक नहीं कमाना चाहते। पैसों में भी एक भयंकर व्यंग शक्ति है। जब हमारे पास से मोटर गुजरती है तो पैसा हम पर एक गहरा व्यंग कर जाता है। तब मनुष्य अपने आप से कहता है कि उसके पास मोटर कार क्यों नहीं है। वह कहता है कि उसने मोटर कार वाले माता पिता के घर जन्म क्यों नहीं लिया। पैसे की यह व्यंग शक्ति अपने सगे संबंधियों के प्रति कृतघ्न बना देता है, मतलब एहसान न मानने वाला। परंतु चूर्ण बेचने वाले भगत जी पर इस व्यंग शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके सामने व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। भगत जी में ऐसी कौन सी शक्ति है जो पैसे के व्यंग के समक्ष अजेय बनी रहती है। हम उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, परंतु यह भी एक सच्चाई है कि जिस मन में तृष्णा होती है उसमें शक्ति नहीं होती। जिस मनुष्य में संचय की तृष्णा और वैभव की चाह है, वह मनुष्य निश्चय से निर्बल है। इसी निर्बलता के कारण वह धन वैभव का संग्रह करता है। एक दिन भगत जी की लेखक के साथ मुलाकात हुई। दोनों में राम राम हुई। लेखक यह देखकर दंग रह गया कि भगत जी सबके साथ हंसते हुए बात कर रहे हैं। वे खुली आंखों से बाजार में आते जाते हैं। वे बाजार की सभी वस्तुओं को देखते हैं। बाजार के सामान के प्रति उनके मन में आदर की भावना है। मानो वे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख तथा संतुष्ट मन से सभी फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से काला नमक और जीरा खरीदते हैं। ये चीजें खरीदने पर बाजार उनके लिए शून्य बन जाता है। मानो उनके लिए बाजार का अस्तित्व नहीं है। चाहे चांदनी चौक का आकर्षण उन्हें बुलाता रहे या चांदनी बिछी रहे, परंतु वे सभी का कल्याण मंगल चाहते हुए घर लौटाते हैं। उनके लिए बाजार का मूल्य तब तक है जब तक वह काला नमक और जीरा खरीदते हैं। लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता वहां से कुछ खरीदने पर है। जो लोग केवल अपनी क्रय शक्ति के बल पर बाजार में जाते हैं, वे बाजार से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते और न ही बाजार उन्हें कोई लाभ पहुँचा सकता है। ऐसे लोगों के कारण ही बाजारूपन तथा छल कपट बढ़ रहा है। यही नहीं, मनुष्यों में मित्रता का भाव भी नष्ट हो रहा है। इस मनोवृत्ति के कारण बाजार में केवल ग्राहक और विक्रेता रह जाते हैं। लगता है कि दोनों एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार बाजार लोगों का शोषण करता है और छल कपट को बढ़ावा देता है। अतः ऐसा बाजार मानव के लिए हानिकारक है। जो अर्थशास्त्र इस प्रकार के बाजार का पोषण करता है वह अनीति पर टिका है। उसे एक प्रकार का माया जाल ही कहेंगे। इसीलिए बाजार की सार्थकता इसमें है कि वह ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करे और बेकार की वस्तुएं न बेचे। तो दोस्तों, यही था जनेंद्र कुमार जी द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ का पूरा सार। अभी अगर आपको भक्तिन पाठ का सार देखना है तो ये वाला वीडियो है, और अगर आपको काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, उसका सार देखना है तो इस वाली वीडियो से आप देख सकते हो। अभी के लिए बाय, अलविदा, टाटा।